और नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर है। ईओयू ने नीट पेपर लीक केस सीबीआई को सौंप दिया है। पेपर लीक से जुड़े दस्तावेज भी सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। तो ईओयू ने नीट पेपर लीक केस सीबीआई को सौंप दिया है। पेपर लीक से जुड़े दस्तावेज भी सीबीआई को यहां पर सौंप दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि कई यूजीसी नेट के मामले की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है। अब नीट का मामला भी सीबीआई को सौंप दिया गया है। ये मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तमाम तरह के एविडेंस सामने आ रहे हैं। बिहार सरकार की जो आर्थिक अपराध इकाई है वो जांच कर रही है, गुजरात पुलिस जांच कर रही है, पटना पुलिस जांच कर रही है। तो लगातार जो जांच का दायरा है वो बढ़ता हुआ, और अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी, क्योंकि नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि ईओयू ने नीट पेपर केस को सीबीआई को सौंप दिया है। नीट केस में ईओयू का बड़ा खुलासा सामने आया है। आपको बता दें कि देवघर से गिरफ्तार बलदेव उर्फ चिंटू के मोबाइल पर संजीव मुखिया ने ही प्रश्न पत्र भेजा था। बलदेव कुमार उर्फ चिंटू संजीव कुमार उर्फ लोटन मुखिया के गिरोह का सदस्य है। मामले में संगठित अंतर्राज्यीय पेशेवर गिरोह का हाथ सामने आया है। गिरोह के पास से मिले जले प्रश्न पत्र को FSL जांच के लिए भेजा जा रहा है। जले हुए पेपर का सीरियल कोड हजारीबाग के ओएसिस एग्जाम सेंटर के होने की पुष्टि की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने पूरे मामले का खुलासा प्रेस रिलीज के माध्यम से कर दिया है। आर्थिक अपराध इकाई 5 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। और जी मीडिया संवाददाता प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, जो लगातार एक के बाद एक खुलासे आ रहे हैं, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि अब ईओयू ने हैंडओवर कर दिया है सीबीआई को इस पूरे मामले को, लेकिन इस बीच जो बड़ी अपडेट मिल रही है कि संजीव मुखिया ने ही देवघर में भेजा था मोबाइल पर क्वेश्चन पेपर। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं राजेश। देखिए, ये पूरे मामले का खुलासा जो परत दर परत अब ईओयू के विज्ञप्ति में हुआ है, उसमें ये जानकारी मिली है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर थे वो संजीव मुखिया के पास आया था, और संजीव मुखिया ने ही फिर चिंटू को भेजा था, और उसके बाद वो पिंटू के मोबाइल पर आया था, और इस तरह से वो फिर पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के खेमनी चक में जो लर्न एंड प्ले हॉस्टल स्कूल है, वहीं पर उसको लड़कों को बुला करके वहीं जो है वायरलेस प्रिंटर से उसको प्रिंट करके और फिर छात्रों को दिया गया था, छात्रों को रटवाया गया था, और उसके बाद जैसे ही छात्रों ने उसे पढ़ लिया रट लिया, उसका सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के जला दिया गया था। और इस मामले को पूरी तरह से आर्थिक अपराध इकाई के विज्ञप्ति में खुलासा किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो देवघर से लोग पकड़े गए हैं उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस गिरोह को मोबाइल और सिम उपलब्ध कराते थे, तो कुछ आश्रय यानी उसको रहने का ठौर ठिकाना उपलब्ध कराते थे, और मेन जो इसमें पिंटू है उसको उसके मोबाइल पर सारा कुछ आया था और उसके बाद उसको छुपाया गया था। देखिए, आर्थिक अपराध इकाई के इस पूरे विज्ञप्ति में पूरे मामले का खुलासा किया गया है। हालांकि यह मामला अब सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। बिहार सरकार ने बाकायदा इसके लिए चिट्ठी भी जारी कर दी है। वहीं आर्थिक अपराध इकाई ने भी यह कह दिया है कि वो तमाम मामले अब सीबीआई को हैंडओवर कर चुका है। इस मामले की जांच अब सीबीआई की टीम करेगी, और आपको बता दें राजेश कि सीबीआई की टीम कल पटना में आर्थिक अपराध इकाई के दफ्तर जाकर के एक फॉर्मली इस पूरे केस का अनुसंधान अपने पास लेगी। उसके बाद ये शास्त्री नगर थाना भी ये टीम जाएगी, उसके अलावा ओएसएस स्कूल हजारीबाग भी जाना है, और रांची भी ये टीम जाएगी, और जिन जिन लोगों के इसमें नाम है और जो अब तक ट्रैक है, जो अब तक सर्वलांस पर लोग लिए गए हैं, उन तमाम लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ करने की कोशिश अब सीबीआई के द्वारा होगी। राजेश प्रशांत, जिस तरीके से पेपर लीक की जांच ईओयू ने शुरू की थी और तार कहां कहां तक गए ये सब ईओयू की टीम ने ही जोड़ा था, तो ऐसे में आगे भी सीबीआई के साथ ईओयू की भूमिका रह सकती है। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आर्थिक अपराध इकाई ने शुरुआत में ही इस मामले में, आपको बता दूं कि 5 तारीख को जब ये सूचना मिली थी शास्त्री नगर पुलिस को, उस समय से आर्थिक अपराध इकाई के लोग
पुलिस के साथ मिलकर के इस कांड को खुलासा करने में जुटे हुए थे और जो भी गिरफ्तारियां हुई थी, जो भी जलीय प्रश्न पत्र बरामद किए गए थे, उस सब जगह ईओयू के लोग थे और उसके बाद ईओयू ने इसे स्वयं मोटो इसको एक्सेप्ट ले लिया था, कॉग्निजेंस लिया था इस पर और इस मामले को अपने थाने में भी दर्ज किया था, तो 6/24 के रूप में दर्ज किया गया था। उसके बाद जिसमें अनुसंधान शुरू किया गया था, आर्थिक अपराध इकाई, आपको बता दें अनिल कि ये इस तरह की संस्था है कि इस संस्था की अब तक पेपर लीक को खुलासा करने में महारत हासिल हो। आपको बता दें कि 2021 में भी जब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक होने की खबर आई थी, उस दौरान भी आर्थिक अपराध इकाई ने लगातार छापेमारी करके तकरीबन इसमें जितने लोग शामिल थे सबको हिरासत में लिया था। उसके बाद सिपाही पेपर मामला हो, टीचर्स का जो पेपर लीक हुए थे वो मामले हो, जिस मामले में डॉक्टर शिव जो इसका मास्टरमाइंड है, संजय मुखिया का बेटा है, उसकी गिरफ्तारी आर्थिक अपराध इकाई ने की थी, उज्जैन से की थी और आर्थिक अपराध इकाई के पास वो तमाम सबूत हैं इस गिरोह के जो गिरोह को भंडाफोड़ कर सकते हैं और सीबीआई भी कोशिश में है कि आर्थिक अपराध इकाई के जो जाबाज अधिकारी हैं जिसने बिहार पुलिस की लाज बचाई है उन तमाम अधिकारियों को अपने साथ रख करके इसका जांच शुरू करें। प्रशांत जी, तो जाहिर सी बात है कि लगातार ये नेटवर्क जो पूरा फैला हुआ है, इस बार उम्मीद है कि इस नेटवर्क को तोड़ा जा सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं, जल्द लौटते हैं।